भजनलाल सरकार का पहला बजट आदित्य बजट है। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो आधारशिला रखी है, 2047 तक राजस्थान देश दुनिया का अग्रणी राज्य बने, इसकी मजबूत आधारशिला रखी है। आजादी के बाद सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर 44,000 करोड़ रुपया जब राजस्थान की परिसंपत्तियों में एक साल में लगेगा, तो राजस्थान के आधारभूत संरचनाओं में परवांच लगेगा। जहां एक ओर ये बजट किसान को समर्पित है, वहां दूसरी ओर नौजवानों के लिए 4 लाख नौकरियां और उसके साथ स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर 10 लाख नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ने की परिकल्पना, उद्योगों में निवेश बढ़े उसके लिए नई उद्योग नीति से लेकर जिस प्रकार ऊर्जा के रूप से राजस्थान समृद्ध बने, दिन में किसानों को बिजली मिले, इन सारी बातों को उल्लेख किया है। जिस संकल्प के 70 भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उन संकल्प को जो 5 साल में पूरा होना था, भजनलाल जी की सरकार ने पहले साल में मजबूत आधारशिला रखकर एक शानदार बजट दिया है। मैं उनको बधाई देने आया। राठौड़ जी, ये अभी 5 उपचुनाव है और इधर से किरोड़ी बाबा का इस्तीफा, ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी का इस पार्टी के अंदर बड़ा परिवार है। हमारे मन भेद कभी नहीं है। किरोड़ी लाल जी हमारे नेता है, वो हर हालत में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जान लड़ा देंगे। लेकिन लगता है निश्चित तौर पर खाटू श्याम जी के प्रति पूरे देश में आराध्य देव के रूप में लोग मानते हैं, उनके प्रति सम्मान, एक तरह से भावात्मक जुड़ाव है उनके श्रद्धालुओं का। और ये उसी तर्ज पर पहली बार पहला 100 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश की बात कही है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान में लोग देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई बात उन्होंने की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ने ये कहा है कि बीजेपी साथ में चलने का वादा करती है, दावा करती है, लेकिन बजट से पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, इस तरीके का? मैं समझता हूँ कि 1 लाख से ज्यादा सुझावों को प्राप्त करके और हर वर्ग से बात करके भजनलाल जी ने बजट प्रस्तुत किया है, ये पहले कभी नहीं हुआ।